आरंभ का बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डाल दिया है ना, उस दिन लाइव कर दिया था ना। दिक्कत है कितना, दिक्कत है बोलिए, कौन बोला दिक्कत है? आप बोले, अभी तो लड़का का आवाज आया था। अच्छा, दो मेज को खाली कह ले, 3 3 6 1 7। तुम लोग उस साइड से 2 को बेंच पे बैठो, तो लड़े नहीं सब है। अच्छा, अगले बार से 2 को बेंच खाली कर देना, अभी छोड़ दो। शुरू करें? साउंड प्रॉब्लम बता रहा है। रे हेलो 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 हेलो, गौर फरमाइए। हाँ, क्या फरमाइएगा? एकदम आराम से, फिर से हम जो बात उस दिन बताए थे वही बता रहे हैं, क्योंकि उतने में चैप्टर खत्म है लगभग 80%। ठीक है, गौर फरमाइएगा। वहां हम बोले पहले फलना टू डेसिमल, फलना टू डेसिमल, डेसिमल टू 101.10, टू द बेस 2 को टू द बेस 10 में बदलना है। सही है ना? कैसे बदलाएगा? इसको करेंगे हम 1 × 2 to the power 2 प्लस 0 × 2 to the power ई डिजिट लिए तो इसके बाद एगो बचा ना, प्लस 1 × 2 to the power क्या 0। पैसा दिया है, हाथ खड़ा करना दिक्कत होगा था। पॉइंट 1 × 2 to the power -1 प्लस 0 × 2 to the power -2, ये दूसरा टर्म ना है तब -2। सही है? अगर यहां बाइनरी टू डेसिमल है 135.26 इन ऑक्टल रहता, 135.26 ऑक्टल टू डेसिमल हो जाता 1 × 2 to the power 1 × 8 के पावर प्लस 3 × 8 के पावर ई डिजिट लेंगे तो काय को बचा, एगो प्लस 5 × 8 के पावर पॉइंट 2 ×
आठ के पावर माइनस वन प्लस सिक्स इंटू आठ के पावर, सॉल्व कर देंगे आंसर। वन इज सिक्स पॉइंट बी टू, टू द बेस 16 को टू द बेस 10 में बदलना है, यही ना मामला है। वन ए सिक्स पॉइंट बी टू, टू द बेस 16 को टू द बेस किस में बदलना है, 10। सही है, यहां से लेंगे तो ये हो जाएगा वन इंटू, ये होता है 10, तो वन एक दो डिजिट है, 16 के पावर 2 प्लस ए इंटू, ए तो 10 ना, ए हो जाएगा 10 गुना 16 के पावर, एक बार देखिए वो डिजिट ना है, एक प्लस 6 इंटू 16 के पावर 0., बी हो गया, ए हो गया 10, बी 11 इंटू 16 के पावर माइनस वन प्लस 2 इंटू 16 के पावर माइनस 2, कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट, बोलो। दिख रहे हैं, अब देखिए ये तो था बाइनरी टू, बाइनरी टू क्या था, वो बाइनरी टू था डेसिमल, एंड फलना टू डेसिमल। अब हम लोग चलते हैं किसमें, डेसिमल टू फलना। अगर मान लो आपको दे देता है 25.56 टू द बेस 10 को टू द बेस 2 में बदलना है, हम क्या करेंगे, 25 को भाग देंगे किससे, किससे भाग देंगे, 25 को भाग देंगे किससे, 2 से, 12 मरतबे कटेगा, 12 दूनी 24, 1 25, 2 से 6, छप्पन है, इसको गुना करेंगे 2 से, 6 दुनी 12, 5 दुनी 10, 1 13, इवन ले लेंगे, फिर गुना 2, 0.64, सही है। अरे रुक नहीं यार, हमारे जोड़ घटाओ तनी गड़बड़ है, 6 दुनी 12 अब 5 दुनी 10 11, बाप रे बाप, फिर गुना करेंगे 2 से, तो 12 दुनी 24, 0 ले लेंगे, फिर गुना करेंगे 0.4, सही है ना, क्या लेंगे ऊपर से नीचे, इसमें नीचे से ऊपर हो जाएगा 11001 पॉइंट, क्या होगा 100 टू द बेस 2, बोलिए सही की गलत। अब तो चला, अगर डेसिमल टू बाइनरी है तो 2 से भाग 2 से गुना, और डेसिमल टू ऑक्टल है तो 8 से भाग 8 से गुना, और डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल है तो 16 से भाग और 16 से गुना। तो तुमको खाली ये देखना है कि डेसिमल टू फलना है कि फलना टू डेसिमल है, बोलो। तो तुमको ये डेसिमल टू बाइनरी सीख लेना है और ये वो सीख लेना है बाइनरी टू डेसिमल। ये जैसे आपको दे देगा 1.01 to the base 2 to the base 10। हम कहेंगे 1 into 2 to the power 1 हो प्लस 1 into 2 to the power 0 पॉइंट 0 into 2 to the power -1 प्लस 1 into 2 to the power -2। सही है, बोलो। अब थोड़ा सोचना है, इतने है कि बाइनरी टू डेसिमल में जो रूल लगता है वही ऑक्टल टू डेसिमल टू फलना में जो रूल लगता है वो डेसिमल टू बाइनरी होगा तो 2 से गुना 2 से भाग, बाइनरी टू डेसिमल होगा तो 2 का पावर, कितना का पावर, यही सब में सेट कर देना है। अगर मान लो कि आपको कहे, अगर आपको कहता है कि बताइए, एक क्वेश्चन देता है आपको कि बताइए तो ये अगर कोई ऑक्टल में है इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, हेक्साडेसिमल में बदलना है, किसमें बदलना है, हेक्साडेसिमल। तो पहले ये ऑक्टल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पहले ये ऑक्टल को बदल देंगे हम लोग फलना टू डेसिमल वाला रूल लगा के, फलना टू डेसिमल वाला रूल लगा के, ये रूल लगा के, अब फिर डेसिमल टू फलना वाला रूल लगा के इसको हम बदल देंगे 16 में, बोलवे नहीं करेगा। ये चैप्टर इतने के मेन 80% और चैप्टर इतने हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे अगर आपको कहता है, क्या कहता है सर, कि बिट होता है जैसे 0101 है ना, ये हो गया 4 बिट, कितना बिट हो गया, चला कितना बिट हो गया 101.11, ये हो गया चला 6 बिट, कितना बिट हो गया 6 बिट हो गया, बोलवे नहीं करेगा। इकाई बिट हुआ 6 बिट हो गया, बोलो बिट कैसे गिनेंगे, जाएगो डिजिट पाएगो बिट, बिट मतलब सर, अच्छा चला अभी हम कई को लोग बैठल है, कहेंगे 4 लोग, लोग जैसे गिनते हैं वैसे संख्या में लोग नहीं होता, बिट होता है, बोलन रे। आ एक निब्बल, 1 निब्बल बराबर होता है 4 बिट और 1 बाइट बराबर 8 बिट, 8 बिट हो गया तो 4 बिट का 1 निब्बल होता था, 8 बिट का 2 निब्बल हो जाएगा। सर जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन वैसे ही 4 बिट बराबर 1 निब्बल और 1 बिट बराबर 8 बिट और 8 बिट हो गया 4 बिट का 1 निब्बल तो 8 बिट का 2 निब्बल। 3 साल पहले पढ़ाए हैं लेकिन भूल नहीं सकते, सब एकदम एकदम यहां है, जब चाहेंगे यहां आ जाएगा। एक बार किताब को भी कुछ नहीं लेंगे आप पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन सर उसकी टेक्निकल इसीलिए तो लोग पढ़ता है कि एक भी चीज मामला दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं सर, दिख नहीं रहा है मगर जुगाड़ कर देते हैं, ब्लू चला देते हैं इस पर 101, ये कितना बिट हो गया, चला 4 बिट, आई 1101.11 हो गया कितना बिट, 6 बिट और 1 निब्बल बराबर कितना हो गया 4 बिट और 1 बाइट बराबर कितना हो गया 8 बिट इज इक्वल टू 2 निब्बल।
अब दिख रहा है। गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा जनाब? तो सब लिखल है, किछ लिखबो ना। ये समझा कि नहीं समझा? बीट गिनने के लिए आ जाएगा। एक मिनट होल्ड ऑन, लिखना नहीं है चला, सब लिखल है, दिमाग में लिखो न, हम बताएंगे ना कहां लिखल है। टिब्बल क्या है, दर्जन क्या है, दर्जन क्या है? बारह केला को रिप्रेजेंट, बारह केला नहीं बोलना पड़े, उससे आसान है एक दर्जन बोल देना। वैसे ही सर चार बिट नहीं बोलना पड़े, उससे आसान है एक निब्बल बोल देना। बोलो अब चला बताओ, इकाई बिट का है, तीन बिट की सबसे बड़ी संख्या कहेगा निकालने, सबसे बड़ी संख्या होगा इसका मतलब तीनों एक होगा कि एगो जीरो होगा? तीनों एक होगा तब ना सर सबसे बड़ी होगा। इसको अगर हम निकालते हैं तो बताइए तो कितना हो जाएगा, एक दुना दो और दो दुनी चार, तो कितना हो जाएगा, सात ना। तो तीन बिट की सबसे बड़ी संख्या कितनी? लेकिन अगर इसी में आप एक को जीरो कर दीजिएगा तो एक दुना दो दो दुनी चार पांचे ना होगा, तो सबसे बड़ी होगा क्या? तीन बिट में तुम सात से बड़ा बाइनरी नहीं बना, ये बाइनरी है कि डेसिमल है? जीरो वन है तो बाइनरी है। जिसका क्लास आज पहला क्लास है कृपया तीन क्लास छोड़ दें, तीन क्लास आपको नहीं समझ में आएगा, फिर अगला चैप्टर समझ में आएगा और ये चैप्टर हम आपको फिर से पढ़ा देंगे। गौर फरमाइएगा, अगर कह देगा चार बिट की सबसे बड़ी संख्या, एक दुना दो दो दुनी चार चार दुनी आठ, कितना हो जाएगा, पंद्रह। एक को जीरो कर देंगे सबसे बड़ी संख्या रहेगा, रह जाएगा नहीं। अब देखो तुझे ना देखूं दुन्यन मुझे आना, सब थ्योरी खत्म यहां तक। बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, यहां तक ऑक्टल टू बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, ई के पूछा, बाइनरी मतलब जीरो वन, अब चला यहां से बाइनरी टू ऑक्टल, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक बात बताइए गुरुजी कि अगर हमको पांच के बदले बाइनरी लिखना है, किसके बदले? अच्छा पहले इसका थ्योरी खत्म कर लो यार, ना तो फिर गोंगो गोंगो हो जाएगा। देखो पहला स्लाइड यही है, बाइनरी बोले तो जीरो वन, बाइनरी बोले तो जीरो वन, ऑक्टल बोले तो जीरो से सात, डेसिमल बाइनरी टू ऑक्टल बोले तो जीरो से सात, डेसिमल जीरो से नौ, हेक्साडेसिमल जीरो से पंद्रह। जैसे चला डेसिमल होता तो नौ तक होता है, ऑक्टल होता तो सात तक होता है, बोलो रे। बाइनरी टू डेसिमल बदल लीजिएगा, बाइनरी टू डेसिमल ऐसे बदलेंगे। ओ तेरी कितना मेहनत से लिखे थे, बाइनरी टू डेसिमल कैसे बदलते हैं? बाइनरी में वन क्लास छोड़ के कभी मत कीजिएगा, वन जीरो वन पॉइंट वन वन, इसको सर टू द बेस टू है, इसको टू द बेस टेन में नहीं बदल दीजिएगा, कैसे? वन इंटू टू टू द पावर माइनस वन करके माइनस वन होगा, वन इंटू टू द पावर तीन होगा,
बोलो सेम है डेसिमल टू बाइनरी बनेगा। अगर आपको दे देगा 6 7 3.23 डेसिमल है, इसको बाइनरी में बदलें तो 2 से भाग, 2 से गुना। बोलो ऑक्टल टू डेसिमल, ये तो हो गया फलना टू डेसिमल बदलेगा। कैसे करेंगे? 8 to the power करेंगे। कितना टू द पावर करेंगे? 8 to the power करेंगे। बोलो उसके बाद आ जाइए आप पॉइंट में, होगा तो माइनस करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, नहीं होगा डेसिमल टू ऑक्टल, तो डेसिमल टू ऑक्टल में डेसिमल टू फलना हो गया ऑक्टल है, तो 8 से भाग और 8 से गुना। सही है, नीचे नहीं हुआ है। हाँ बैठाओ ना, अभी 10 मिनट पढ़ाएंगे, मूड बनल है। देखो डेसिमल टू हेक्सा कह रहा है, डेसिमल टू तो अगर हेक्सा कह रहा है तो 16 से भाग और 16 से गुना। सही है ना। अब चलो यहां से झोल है बाइनरी टू ऑक्टल। किताब है ना सबके पास? किताब किसके किसके पास नहीं है? तो तुम लोग ओल छिल रहा है ऑफिस में, तो मार्केट से लो, मार्केट में भी नहीं है, मार्केट में है नहीं है, चलो तो बगल वाले से किताब ले जाके जीरोक्स करवाइए। कितने लोगों के पास नहीं है? अच्छा हम जीरोक्स करवा के दे देंगे, ये नहीं कर सकते तुम लोग नढ़ेल है, बिना किताब कैसे मामला होगा? बगल वाला से देखो चला, हम इस पर तुमको आधारित, हम तुमको क्या बोल रहे हैं देखो बढ़िया समझना, तुमको कितना चीज हम बोल रहे हैं ध्यान में रखने के लिए, खाली उतने ध्यान में रखना। हम बोले अगर तुमको दे दे अगर तुमको दे दे 1 1.10 to the base 2 to the base 10 में बदलने, कुछ नहीं करना है, 1 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0 point plus 1 into 2 to the power minus 1 plus 0 into 2 to the power minus 2, यही ना करना है। एगो अभी हम बताए हैं आपको 25.50 टू द बेस 10 को टू द बेस 2 में बदलना है। खाली आपको दुए को चीज सीखने हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो यहां चला 25 है, इसको कितना से भाग देंगे? 2 से 2 बढ़िया 25 एक 2 से 6 12 0 द्वितीया 6 0 2 1 2 1 नीचे से ऊपर लिख देंगे, फिर हो जाएगा 50 0.50 × 2 5 × 10 1.00। इसको ले लेंगे, यहां लिख देंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे 11001.1 होगा ना। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, देखे रहे आरा जिला घर बा काहे के डर बा। देखो इतने दूर में हम क्वेश्चन बनाते हैं, 1 byte में कितने बिट, अभी तुरंत बताए हैं,
एक बाइट में कितने बिट? 8 बिट। न रे रुक जा न जा दिल न। तो कितना सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, खाली दिमाग जगह पर रहता। एक बाइट में अभी तुरंत बताया था 8 बिट हम बताए थे। देखो क्या क्या किताब पे लिखते भी जाना, 1 बाइट 8 बिट, 1 निब्बल 4 बिट, और 8 बिट का होता है 1 बाइट, तो ये हो जाएगा 2 निब्बल। लिखते भी जाइए किताब पे। हाँ किताबें मैंने लिखे, कहाँ लिखेगा, बुक कहाँ मिलेगा, मार्केट में मिलेगा नहीं तो softday.in पर मिलेगा। यो किताब नहीं कलर सबको खरीदल जाता है, मार्केट में मिल रहा है किताब। पटना आके मेन उद्देश्य 100-200 टका बचा के घर जाना, मुख्य उद्देश्य पटना के विद्यार्थियों का कि किसी तरह से 1000-2000 बचा के घर जाना। खाना खेबे करेगा, रूम लेके रहवे करेगा, किताब कॉपी में 100-200 रुपए लगना है तो उसको बचा लेना है खाली। तो यहाँ वोल छिलने के लिए आए हो गया, जो जो क्वेश्चन हो गया उसमें टिक मारते जाना। निम्न से कौन सा बाइनरी संख्या डेसिमल संख्या 20 के तुल्य है, कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 2 2 4 4 8 8 16, तो 16 4 20 आंसर बोलो ना, ये करेंगे 1 2 2 2 4 4 8 8 1 9। शुरू से क्लास किया है तभी बुझाएगा, 1 2 2 2 2 4 4 8 8 16 16 4 20 2 22 21 8 31, 1 2 2 2 4 4 8 8 2 16 2 32 2 64, 64 2 66 आंसर। एक ही भी किसी जो जो क्वेश्चन हो गया टिक मार लेना। बोल रहे अरे रामकिशोर राज, एलपी लाइव वाला पर ध्यान दीजिए। लाइव वाला की करें, ब्याह करवा दें, कहां मिलेगा बुक, लिख तो दिए softday.in पर मिलेगा किताब। मार्केट में भी अवेलेबल है, नहीं मिल रहा है softday.in पर बुक कीजिए, और softday.in पर यह किताब 12 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ये वाली बुक लेनी है, इंजीनियर एसके झा आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, यही लेना है ठीक है। फिलहाल हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, फट जाएगा ये लड़की, ये औरत बहुत झगड़ालू है। अब तुम लड़की है नहीं, शादी हो गया इसीलिए तुम और झगड़ालू हो गई है। कोनो दिन भगा देंगे हम बैच से, फट जाएगा, नया किताब देंगे खरीद के। इस तो सास का कोनो दिन तकिया देके मार देगी। बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स 2, हेक्साडेसिमल का रेडिक्स 16, डेसिमल का 10, 18 के करोन है। बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट्स की संख्या 2, 1 बाइट बोले तो 8 बिट की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी बाइनरी मतलब सब 1 1 1 होगा रे, कई गो 1, 3 3 6 7 1 8। पहले पढ़ो क्वेश्चन को समझो, एक बाइट हम बोले थे 1 बाइट में
आठ बिट था, एक बाइट लंबी मतलब आठ बिट लंबी, सबसे बड़ी कौन है तो सब वन होगा, बोलो नी, एको को जीरो नहीं होगा तो कहेगा इसका डेसिमल तुल्यांक क्या होगा, तो हम बोले थे डेसिमल निकालने का सबसे शॉर्टकट विधि, एक गुना दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, बत्तीस दुनी चौसठ, चौसठ दुनी एक सौ अट्ठाईस, अभी सबको जोड़ दो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। दो सौ पचपन, इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, जय गो बीट होगा ना टू टू दी पावर उतना, कई गो है आठ है आप माइनस वन आंसर, लेकिन सब वन 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 होगा तब, सब वन 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 होगा तब, एक निब्बल चार बीट ऑक्टल संख्या इतना का डेसिमल, ध्यान देना फाइव सिक्स सेवन टू द बेस आठ का टू द बेस टेन निकालना है, तो चला फलना टू डेसिमल ना है रे, तो फलना टू डेसिमल निकालने के लिए हम क्या किए थे, फलना टू डेसिमल, तो फलना में यहां बाइनरी था टू टू द पावर, वहां क्या करेंगे आठ टू द पावर, बोलो यहां फाइव सिक्स सेवन टू द बेस आठ है तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव इंटू आठ के पावर दो प्लस सिक्स इंटू आठ के पावर एक प्लस सात इंटू आठ के पावर जीरो आंसर। ये आएगा आंसर, बुझाए रुक हे रे हे रे हे रे, हम क्या किए हैं फलना टू डेसिमल वाला जुगाड़ लगा दिए हैं, ये जो फलना टू डेसिमल, फलना टू डेसिमल का जुगाड़ लगा दो आंसर आ जाएगा, बोलो दे नहीं बनेगा फाइव फलना टू डेसिमल, यहां बाइनरी था तो टू टू दी पावर, आ ऑक्टल है तो आठ टू दी पावर, धीरे धीरे समझा देंगे लेकिन टाइम देना पड़ेगा। softday.in पे नहीं है इसलिए कि बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, हाँ बात हम बोलना भूल गए, बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, आप मार्केट से लीजिए नहीं तो इंतजार कीजिए, इस चैप्टर का एक एक चैप्टर और खत्म होगा तब तक नया बुक आ जाएगा, हो गया बोलन रे तुझे ना देखो डेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स दस बोलो कितना हेक्साडेसिमल समझ में आ रहा है नहीं थोड़ा थोड़ा इत्तु इत्तु आ रहा है आज की कार्रवाई यहीं तक।